अगर तीन से चार नंबर अगर कुछ देर में अगर मिल रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है एक अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी बात नंबर तो खैर एक डिफरेंट चीज है बट क्योंकि एग्जाम है तो सोचना पड़ेगा उस तरफ भी सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा भाषाई कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स और हर एक सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना चार कौशल हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम सीखेंगे इनसे रिलेटेड मैथड्स क्या हैं इनको विकसित करने के सुलेख अनुलेख आदर्श वाचन अनुकरण वाचन इन सब में क्या अंतर है बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन आपको इंतहा हेल्प करेगा गाना मत गाने लग जाना कोई भी बहुत सीरियस हूँ मैं ठीक है तो सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत यू फील कनेक्टेड विद है ना ऐसे मैं शब्द बोलती हूँ गाने याद आ जाते हैं तो मेरे को खुद को गाना याद आ रहा था तो मैं खुद ही को डांट रही थी खैर भाषाई कौशल की बात हुई और इसके साथ एक और टॉपिक लास्ट में हम पढ़ेंगे भाषाई विकार भाषाई विकार लर्निंग डिसबिलिटीज़ ये दो टॉपिक्स हैं, हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और मतलब ये आपको ओवरऑल पैडागोजी सुधारने में भी हेल्प करेंगे ये पूरा एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है हमारा यूट्यूब पर ही हिंदी पैडागोजी का जिसमें आप पंद्रह नंबर की सी की पैडागोजी और जहाँ पर भी पूछी जा सके क्योंकि आजकल तो डी प्लस भी जैसे एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं हिंदी इंग्लिश पैडागोजी मिक्स करके सेकेंड सेक्शन में तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा या जहाँ पर भी पैडागोजी आती है हिंदी की लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब आप बिना कहे कर दीजिएगा क्योंकि सेशन बहुत ही अमेजिंग चल रहे हैं आजकल एक से एक खतरनाक सेशन हम डिस्कशन कर रहे हैं एकदम पूरा कंप्लीट सेशन सेशन होगा बड़े सेशन चल रहे हैं एक घंटे के आसपास कई बार एक घंटे से ऊपर भी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन है ना बस नाम लेने के लिए कोई नहीं कहेगा समझिए क्योंकि ये समझने वाले सेशन है इनमें थोड़ा सा थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है मजाक मैं खुद करूंगी आप में से कोई नहीं करेगा है ना जहां सीरियसनेस को ब्रेक करना होगा प्ले लिस्ट बना दूंगी मैं आज बना दूंगी जी मैम आज बहुत सीरियस है पढ़ाई में बात नहीं करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली exactly उषा जी बहुत बढ़िया सही है खैर आ जाइए अब फिर देखिए भाषाई कौशल और भाषा विकार ये आज का टॉपिक है हम जानते हैं चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो कि चार मुख्य कौशल हैं भाषा के वो चार मुख्य कौशल, कौशल कौन से हैं सुनना बोलना पढ़ना और लिखना शायद ही आपने इससे पहले इस तरीके से पढ़े होंगे कौशल मजे से पढ़ेंगे अब इसको आप में से ही किसी ने उस दिन शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई थी सुबो पली बना सकते हैं इसको हम सुबो पली ठीक तो ये सीक्वेंस है ये सीक्वेंस भी हमें याद रखना है ये नेचुरल वे है ये इसका प्राकृतिक तरीका है कौशलों को सीखने का कि हम पहले दुनिया में आते हैं तो सुनते हैं है ना तो कोई जैसे बच्चे का जन्म होगा अरे बहुत प्यारा बच्चा है ये वो और पूरा गोदी में लेके और बातें बातें करेंगे उससे हालांकि वो बोल नहीं सकता बट वो सुन रहा है दैट सबसे पहले हमारा कौन सा कौशल विकसित हुआ सुनने का अरे मेरा बच्चा और सोना बाबू तो नहीं कहेंगे ना ठीक है छोड़ो खैर तो सुनने का कौशल सबसे पहले विकसित हुआ फिर बोलने का कौशल धीरे धीरे जब इतना भर जाएगा सुनता ही रहेगा तो धीरे धीरे वो फिर बोलने की भी क्षमता उसके अंदर विकसित होती है क्योंकि होती ही है सीखने की क्षमता बोलना या लिखना पढ़ना भाषा को सीखने की क्षमता जैसा कि चॉम्स की कह रहे थे तो सुनना शुरू हुआ सुन करके भरे आप फिर आपने बोलना शुरू किया फिर उसके बाद पढ़ना आप सीखते हैं देन आप राइटिंग की तरफ जाते हैं जिसको लिखना कह रहे हैं सबसे जटिल माना जाता है लिखने को ठीक है अब इसमें उस लिखने को शामिल नहीं किया जाएगा कि बच्चे ने पढ़ना सीखा हो ना सीखा हो उसको आपने पेन दे दिया और वो ऐसे स्क्रिबलिंग करना शुरू कर देगा कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा के लिखना आ गया उसको शामिल नहीं करते तभी ये वाला सीक्वेंस है नहीं तो पहले लिखना आ जाता है ना तो ये एक बेसिक बात है सुनना कौशल की बात करें यानी लिसनिंग की बात करें तो ये एक श्रवण कौशल है मतलब अपने कानों से आप सुन रहे हैं ना लिसनिंग स्किल जो है वो आपका ओरल स्किल है ओरल नहीं है ये ओरल है इंग्लिश में भी अगर आप याद रखना चाहें ए यू आर ए एल ओरल मतलब कानों से ऑडियो जो आपकी चीज होती है मतलब सुनने से रिलेटेड ओरल बोलने से रिलेटेड ठीक तो ये एक औरल स्किल है बोलना जो कि दूसरी स्किल हुई मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है कि भाई आप अपने रूप को आप जानते हैं भाषा के दो रूप हैं लिखित और मौखिक तो बोलने में आप मौखिक रूप से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं अभिव्यक्त करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बोल करके मौखिक रूप से ठीक यहां लिखित तो अभी आया नहीं है तो दोनों मौखिक ही रूप है सुनना बोलना लेकिन सुनने में श्रवण कौशल और बोलने में मौखिक रूप से आप अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं पढ़ना जिसको वाचन कौशल भी कह देते हैं पढ़ने को वाचन कौशल भी कह देंगे और लिखना मतलब लिखित अभिव्यक्ति आप लिख करके अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि दो कौशल यहां ऐसे हैं जिसमें अभिव्यक्ति की बात हो रही है एक तो आपका सेकंड वाला और एक है फोर्थ सेकंड क्या है बोलना और लिखना इन दोनों में अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की बात हुई है दैट मीन्स ये उत्पादनात्मक कौशल हैं जिनमें कुछ उत्पादन हुआ है जिनमें कुछ आपने अभिव्यक्त किया है अपने आप को एक्सप्रेस किया है किसमें जब मैं बोल रही हूं तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूं अगर मैं लिख रही हूं तब भी मैं एक्सप्रेस कर रही हूं तो ये इसी को हम प्रोडक्टिव स्किल्स कह देते हैं इंग्लिश में और हिंदी में हम इसको उत्पादनात्मक कौशल कहेंगे क्योंकि आप उत्पादन कर रहे हैं भाषा का मे इट बी इन द फॉर्म ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग ठीक है मतलब लिखने की फॉर्म में हो चाहे वो बोलने की फॉर्म में हो आप भाषा को अभिव्यक्त कर रहे हैं दो कैटेगरी में बांटा जाता है इन चारों कौशलों को अब उन दोनों कैटेगरी पे ही हम नेक्स्ट जो पड़ाव है हमारा वही है कि बोलना और लिखना क्या है ये दोनों उत्पादनात्मक कौशल हैं क्योंकि आप भाषा को प्रोड्यूस कर रहे हो अभिव्यक्त कर रहे हो इसके अलावा जो बचे हुए बाकी के दो हैं पढ़ना और सुनना इसमें आप भर रहे हो अपने अंदर कुछ ग्रहण कर रहे हो इसलिए इन दोनों को ग्रम्यात्मक कौशल कहा जाता है क्योंकि आप यहां कुछ ग्रहण कर रहे हो भाषा को चाहे वो पढ़ करके करें जैसे कि आप अभी कर रहे हैं चाहे वो आप सुन कर कर रहे हो तो आप आपको कौशलों का प्रयोग कर रहे हैं और मैं यहां से अभिव्यक्त कर रही हूं तो उत्पादनात्मक कौशल का यानी प्रोडक्टिव स्किल्स का ये आपकी बात क्लियर होनी चाहिए एक नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है पूछा जा सकता है पूछा जाता रहेगा ठीक है बात यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को समस्या हुई होगी आगे बढ़ेंगे बिल्कुल तसल्ली से समझेंगे आपने किए होंगे टेढ़े मेढ़े काम कोर्स कोर्सेज लिए होंगे ये किया होगा वो किया होगा यहाँ पढ़िए हिंदी पेरागोलॉजी और खुद फील कीजिए कि डिस्कशन कहाँ कौन सी चीज दिमाग में जाती है और कौन सी चीज निकलती है देखिए एक बार नेक्स्ट पॉइंट है इन चार क्वेश्चनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है ये बात हम जानते हैं तभी हमने अभी किया था एक कैटेगरी है ग्रम्यात्मक की जहां आप ग्रहण कर रहे होंगे दूसरी कैटेगरी है अभिव्यक्तात्मक की जहां आप अभिव्यक्त कर रहे होंगे ग्रम्यात्मक यदि मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं ग्रम्यात्मक और यहां अभिव्यक्ति को अभी लिख देती हूं बस ठीक है ये आपका अभी नहीं है ये नॉर्मल अभी है ठीक तो ये ग्रम्यात्मक में दो है ग्रहण करेंगे आप कैसे ग्रहण करेंगे पढ़कर पढ़ना और सुनना और अभिव्यक्तात्मक या जिसको हम उत्पादनात्मक कह सकते हैं उसमें बोलना और आप चाहें तो नोट जरूर बनाइए बोलना जब पेपर आएगा ना जिन्होंने अब पढ़ाई की है उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा बोलना और लिखना यह है अभिव्यक्तात्मक क्योंकि अभिव्यक्ति का मतलब है एक्सप्रेशन ठीक है बात यहां तक की कोई समस्या हो तो बताओ हम्म बहुत बढ़िया विकास जी पढ़ाई कर लो क्या ही रखा है नाम में और लाइक शेयर करके और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं आपके आसपास दोस्त उनको कहो आइए थोड़ा इंटरेस्ट जागेगा पढ़ने में साढ़े नौ बजे डेली नाइन थर्टी पे सेशन है आपका है ना अलग अलग सब्जेक्ट भी मिक्स करके पढ़ते रहेंगे क्लियर है बात साक्षी कोई समस्या हो तो बताओ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इनको एक्टिव स्किल्स कहते हैं यानी कि सक्रिय कौशल अभिव्यक्तात्मक को सक्रिय कौशल भी कहेंगे क्योंकि आप यहां सक्रिय है एक्टिव है अभी मैं बोल रही हूं और लिख रही हूं आई एम एक्टिव इनफ और यदि मैं बात करूं ग्रम्यात्मक की तो ये निष्क्रिय भी कह सकते हो पैसिव स्किल्स भी कह सकते हो क्योंकि यहां पे आप सुनते हो रिसीव करते हो भरते हो अपने अंदर ठीक है बात तो इनको निष्क्रिय और सक्रिय भी कहा जा सकता है बात क्लियर हो गई कोई समस्या हो तो बताओ क्लियर हो गई बात आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ भाई भाषाई कौशलों को सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइकोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है नेचुरल सीक्वेंस क्या है इन कौशलों को सीखने का हो सकता है आपको किसी ने डायरेक्ट लिखना सिखा दिया हो और फिर जाकर के आपने पढ़ना सीखा हो लेकिन एक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है या नेचुरल सीक्वेंस क्या है इन चार स्किल्स को सीखने का तो सिंपल है सुनना बोलना और पढ़ना और लिखना सुनना पहला स्टेप बोलना दूसरा स्टेप पढ़ना तीसरा स्टेप और लिखना फोर्थ स्टेप ठीक हो गई बात सुबो पाली से याद किया है हमने उसी से याद रखेंगे इंग्लिश में एल एस आर डब्ल्यू कह देते हैं लेकिन सीक्वेंस सेम रहेगा किसी भी भाषा में इवन ठीक है बात कोई समस्या हो तो बताओ जीवन में जीवन में मत बताओ आज जीवन की संडे वार्ता को बताया करो आज यहां से बताओ कोई समस्या हो तो बताओ एक बार नहीं है कोई समस्या ठीक है आगे बढ़ेंगे श्रवण कौशल यानी कि सुनना ओरल स्किल अभी हमने डिस्कस की अब इसमें काम क्या है इसके कुछ सोपान है आप स्टेप्स कह लीजिए या फिर इससे जुड़ी हुई कुछ बातें कह लीजिए ठीक तो इसके कुछ सोपान है कुछ स्टेप्स हैं ये कह सकते हैं किसके श्रवण के जब आप सबसे पहले दुनिया में आ रहे हैं सुन ही रहे हैं ना आप सुनने की बात हो रही है लिसनिंग स्किल इसके क्या सोपान है सबसे पहला स्टेप है ध्वनि का कानों तक पड़ना अभी अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो ये साउंड जो है आप तक पहुंच रही होगी अब ये पहुंच रही होगी कि भी एक साउंड होगी ध्वनि होगी जो आप तक आपके कानों तक पड़ रही है चाहे वो आपने ईयरफोन लगाया हो फोन के थ्रू सुन रहे हो चाहे बराबर में मम्मी आपको डांट लगा रही हो उनकी डांट की ध्वनि भी आपके कानों तक पड़ रही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फिर है अर्थ ग्रहण करना जब आपको पता लगा के पढ़ते नहीं हो नालायक हो ये सब क्या है अब इसका आपने अर्थ ग्रहण किया कि अरे यार ये तो खतरनाक सी बात कही जा रही है ध्वनि तो कान तक पहुंच गई लेकिन अर्थ तो खतरनाक है इसका तो आप अर्थ ग्रहण करते हैं बिना अर्थ के खाली ध्वनि का क्या होगा तो अर्थ ग्रहण करना इंपॉर्टेंट है ठीक है देखो सारे रिलेट कर पाते हैं ये सब की कहानी है बहुत बढ़िया कहानी घर घर की बनाएंगे हम एक दिन पीजे था ये देखो एक बार फिर है नेक्स्ट स्टेप प्रयोग फिर सीखने का अर्थ ग्रहण करने का सुनने का फायदा क्या होगा यदि आप उसको प्रयोग में ना ला पाए है ना आप उसको प्रयोग में ना ला पाए जो आपने सुन करके सीखा है उसको आप यूज करेंगे आगे आगे सुनने में यूज करेंगे जिससे आप और अच्छा अर्थ ग्रहण कर पाए ठीक तो ये तीन स्टेप्स हैं ध्वनि आपके कानों तक पड़े आप अर्थ को ग्रहण कर पाए सिर्फ ध्वनि से काम नहीं चलेगा अर्थ आपको समझ में आना चाहिए देन आप इसको प्रयोग कर पाए जहां भी आवश्यकता हो या समझ पाए प्रयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बोल करके प्रयोग करेंगे आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सुनकर के एक अच्छे लिसनर बन पाए एक तरीके से है ना तो ये एक बेसिक बात है एक अच्छा लिसनर एक अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता बन पाएगा तो ये सिंपल बात हो गई ये कुछ तीन स्टेप हुए किसमें सुनना कौशल में श्रवण कौशल में अब इसको विकसित करने की कुछ विधियां हैं हम ये चाहेंगे ना ये जो चार स्किल्स हैं ये बेस्ट से बेस्ट डेवलप हो विकसित हो अच्छे से अदरवाइज हिमांशु सिंह में और किसी का भी नाम ले लो बाकी डिफरेंस क्या रहेगा फिर है ना मतलब कौशल जो है किस हद तक विकसित हुए हैं वही तो डिपेंड करेगा ना आप कह सकते यार ये व्यक्ति बोलता बहुत अच्छा है बहुत अच्छा वक्ता है है ना कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्योंकि विकसित किस हद तक हुए हैं बोलना तो सभी को आ जाता है बट आपको पता लगता है कि कुछ लोग बिल्कुल डिफरेंट बोलते हैं कुछ लोग बहुत इंप्रेसिव बोलते हैं कुछ लोग बहुत ही खतरनाक बोलते हैं खून निकलने लगता है कानों से तो इट डिपेंड्स कि विकसित कैसे हुए हैं ठीक है बात वॉइस क्लियर नहीं है ऐसा नहीं हो सकता हम मानते ही नहीं है वॉइस क्लियर नहीं होगी तो बहुत बढ़िया सही है धन्यवाद राधा जी वैसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो अच्छे वक्ता है तो मजाक कर रही थी है ना इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अच्छे स्पीकर हैं अब इसको पॉलिटिकल मत बना देना एज अ पर्सन मैं कह रही हूं। देखो एक बार श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां भाई श्रवण कौशल विकसित होगा तो मौखिक कौशल भी आगे अच्छा होगा स स्वर वाचन सस्वर वाचन होता है कि आप लाउड रीडिंग जो कराते हैं ना प्रॉपर सुर गति के साथ मतलब कितना आपको बीच में पॉज लेना है किस वर्ड पे या शब्द पे जोर देना है कहाँ लाउड होना है कहाँ कम होना है मतलब वो जो लाउड रीडिंग क्लास में कराई जाती है उससे क्या होगा बच्चे का श्रवण कौशल हालांकि सस्वर वाचन से होगा क्या मतलब ऑब्वियसली पढ़ेगा कोई तो बोलेगा भी लेकिन सुनने की बात हो रही है यदि तो सिंपल बात है कि यदि क्लास में लाउड रीडिंग कराई जाए तो सुनेगा भी तो आप जब बोल बोल के पढ़ते हैं तो आप खुद भी तो सुनते हैं और बाकी के जो बच्चे हैं वो भी सुनेंगे तो एक टीचर भी कर सकता है सासुआर वाचन या बच्चे बच्चों से भी करा सकता है लाउड रीडिंग जिसमें सब सुन पाए वो जो वाचन है उसको सुन पाए उनके कानों तक ध्वनि जाए तो अगर इस तरीके की परिस्थिति अवेलेबल हो मतलब मौजूद होगी तो क्या होगा अच्छा श्रोता बनेगा एक व्यक्ति क्योंकि उसने सही आप बोलेंगे क्या जो आप सुनेंगे सही जब सुनेंगे सही तो अच्छा बोल भी पाएंगे कल प्रश्नोत्तर विधि प्रश्नोत्तर में क्या है आपने कुछ क्वेश्चन पूछा आपसे मान लीजिए टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा आपको वो क्वेश्चन ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी तो आप रिप्लाई कर पाओगे तो इसमें दोनों चीजें डेवलप हो रही हैं इसको ये मत सोचिएगा कि ये तो सिर्फ एक चीज के लिए है दोनों चीजें डेवलप हो रही आपका श्रवण कौशल भी और देखा जाए तो वाचन भी नेक्स्ट है कहानी कहना व सुनना कहानी कहना सुनना फिर से वही बात हो गई अगर कोई कहेगा आपकी दादी नानी ने ना आपको कहानी सुनाई होगी तो आप ध्यान से सुनते हैं दैट मीन्स आपका श्रवण कौशल बेहतर होता है कह रहे हैं तब भी आप बोलेंगे तो सही जोर दे करके तो कान तो आपके भी सुनेंगे फिर है श्रुतलेख हालांकि इसका जो मेन फंक्शन है वो लिखने से रिलेटेड है डिक्टेशन दिक्टे, कहते हैं लेकिन श्रुत लेख में मान लीजिए इमला जिसको हम कह देते हैं बोल बोल करके बोला जाता है और बच्चे लिखते हैं तो उनको सुनना भी तो ध्यान से पड़ेगा लिखना तो अच्छा होगा ही वर्तनी तो अच्छी होगी ही होगी सुनना भी अच्छा होगा श्रवण भी अच्छा होगा क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तभी तो सही लिखेंगे यदि सुना ही सही नहीं है तो फिर लिखेंगे सही कैसे किताब के सामने से तो लिखना नहीं है श्रुत लेख में सुन करके लिखना होता है इसलिए श्रवण कौशल भी विकसित होगा भाषण भाषण अगर आप कहीं जा रहे हैं सुनेंगे भी तो सही चाहे रेडियो से सुने चाहे आप किसी एक सभा में सुने तो मतलब आपका श्रवण कौशल भी विकसित होगा वाद विवाद में भी सिर्फ एक तरफा बात नहीं होती अगर आपको उत्तर देना है किसी की बात का डिबेट में तो आपको सुनना भी पड़ेगा सामने वाले के क्वेश्चन को तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल बेहतर होती है ठीक है बात क्लियर हो गई बात या नहीं ये बताओ बफरिंग यार यहां से तो कोई बफरिंग नहीं है अच्छा लाइक शेयर कर देना एक तीन हजार लोग हैं हालांकि आज कुछ लोग गायब हैं और बाइस सौ लोगों ने ही लाइक किया है कहाँ लोग पकड़ आठ सौ लोग नेक्स्ट पे चलेंगे नेक्स्ट जो स्किल है सेकेंड वो है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल बेसिकली कुल मिला के बात ये है कि बच्चे को सही यति गति ध्वनि सस्वर वाचन अच्छे चीजें सुनने को मिले सही चीजें सुनने को मिले जिससे उसका श्रवण कौशल विकसित हो श्रवण कौशल विकसित होगा तो कल अभिव्यक्ति भी अच्छी होगी बोलना कौशल भी अच्छा होगा तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या बोलना जिसको हम कह रहे हैं ओरल एक्सप्रेशन कह दीजिए उसको ओरल कह रहे थे इसको हम ओरल कह देंगे तो जो मौखिक अभिव्यक्ति है ओरल एक्सप्रेशन है मैं बाइलिंगल इसलिए लेके चलती हूं कि दोनों ही मीडियम वाले खुशी से समझ सकें एक नंबर जब आएगा तो कोई नहीं पूछेगा आपने किसमें पढ़ाई की थी आज पूरा हिंदी यूज कर रहे हैं क्लबिंग धन्यवाद शुभांगी तारीफ के लिए शुक्रिया देखिए मौखिक अभिव्यक्ति की यदि मैं बात करूं तो ऑब्वियस है जब आपने सही मॉडल्स को सुना है तो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति भी, भी बेहतर होगी और इसके थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं ये अभिव्यक्तात्मक कौशल का एक हिस्सा है ये बात हम मान रहे हैं ठीक मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को एक्चुअली मेरे साथ चक्कर क्या है अगर मैं चार दिन इंग्लिश यूज करूं तो मैं फिर वही निकलती है और चार दिन हिंदी यूज करूं तो फिर वही निकलती है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियां यानी कि ओरल ओरल एक्सप्रेशन को यदि आपको डेवलप कराना है तो इसके लिए भी कुछ मेथड्स होंगे जो हेल्प करेंगे कौन से मेथड्स होंगे इतने सारे हैं अभी हमने उससे पहले कुछ और पढ़े थे सा वाचन सा वाचन मतलब बच्चों को आप कहें लाउड रीडिंग करो बोल बोल करके पढ़ो तो वो ध्यान देगा अपनी यति गति पे कहा उसको जोर देना है जिसको इंटोनेशन कहते हैं कहा उसको हल्के में लेना है तो जब बोल बोल के पढ़ेगा तो सुनेगा भी और उसका एक्सप्रेशन बेहतर होगा इसके लिए टीचर भी आदर्श वाचन करके दिखा सकते हैं कविता पाठ करने के लिए कहिए आप तो बोलने का मौका मिलेगा तो खुद को एक्सप्रेस करेगा गाएगा मतलब जो भी कविता है उसका वाचन करेगा चित्र वर्णन कोई पिक्चर डिक्टेशन कहते हैं इसको और छोटे बच्चों को पढ़ना ऐसे सिखाया भी जाता है कि भाई इसको ये कोई भी चित्र है मान लीजिए इसको वर्णित करो कि इसमें क्या हो रहा है तो बच्चा अभिव्यक्त करेगा खुद को एक्सप्रेस करेगा कि ये हो सकता है इसमें बादल हैं, इसमें चिड़िया है इसमें ये है ये बच्चा है, स्कूल जा रहा है घर से तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अपना थॉट लगाएगा अभिव्यक्ति लगाएगा मौलिक विचार आएंगे संवाद कोई भी एक डिस्कशन है वाद विवाद जिसको डिबेट कहते हैं एक व्यक्ति पॉजिटिव में होगा एक व्यक्ति एंटी होगा एक प्रो होगा ठीक है बात यहां पे भी क्या होगा वाद विवाद हुआ नाटक हुआ संवाद हुआ इनमें आपको अगर रिप्लाई करना है तो सुनना भी अच्छा पड़ेगा और सुना है तो फिर अच्छे से एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा तो दोनों चीजें विकसित होती हैं सुनना और बोलना दोनों भाषण ऑब्वियसली भाषण में तो सीधी सीधी बात है आप अगर भाषण देने के लिए आपको स्कूल में खड़ा कर दिया जाए तो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होगी आप जो आपका जो बोलना है वो कौशल आपका अच्छा होगा ठीक हो गई बात फिर है नाटक मंचन रोल प्ले भी कह देते हैं हम इसको के अलग अलग आपने कैरेक्टर्स में बांट दिया बच्चों को अलग अलग रोल दे दिए और कोई तेनाली तेनालीराम बनाए कोई राम बनाए कोई विभीषण बनाए कोई कुछ और बना है उसको उस तरीके का नाटक मंचन करने के लिए दे दिया तो सबके अपने अपने डायलॉग हैं देखो तो नाटक मंचन बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें सुनना भी डेवलप होगा बच्चा अपना डायलॉग भी बोलेगा सामने वाले का सुनेगा उसको पता है किस टाइम पे उसको क्या रिप्लाई देना है और कई बार क्या होगा इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि कोई नाटक है उसको पूरा करके पूरा करके और तब आपको उसका प्रस्तुतिकरण करना है तो इसमें चारों स्किल डेवलप हो रही है बच्चे की यदि ऐसे आ जाए तो क्योंकि अगर पूरी करने, पूरा करना है नाटक तो पढ़ना भी पड़ेगा फिर उसको आगे कंप्लीट करना पड़ेगा लिखना भी पड़ेगा और नाटक है तो फिर डायलॉग एक तरफ से होगा बोलना भी पड़ेगा और सामने वाले की सुननी भी पड़ेगी तो चारों स्किल कई बार इससे डेवलप हो जाती है अच्छा तरीका है भाषा को विकसित करने का आगे बढ़ेंगे वाचन या पठन कौशल यानी पढ़ना देखिए एक बार वाचन या पठन कौशल पढ़ना रीडिंग स्किल कह सकते हो आप इसको और वाचन से भी याद रखेंगे हम पठन से भी याद रखेंगे और पढ़ना तो कॉमन भाषा में हम यूज ही करते हैं माइक चेंज करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा सर में सर कर देता है माइक हम्म जी बिल्कुल सही बात है क्या गज्जू भाई नाम है आपका बहुत बढ़िया सही बात है मिनी मोनिका आप तो फेमस हो रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे भी लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नाम मैं आप ही का ले रही हूँ देखो एक बार क्या ऐसा नहीं है वाचन या पठन कौशल यानी पढ़ना इसको कैसे विकसित कराया जाए पढ़ना अपने आप में एक बहुत अच्छी स्किल है इसके थ्रू हम क्या करेंगे ज्ञान अर्जन कर सकते कर सकते हैं कितना सारा लिटरेचर पढ़ सकते हैं है ना अपनी समझ अपने संज्ञान को भी बेहतर बना सकते हैं समझते हैं अब इसको आप कैसे विकसित करेंगे और इसके क्या क्या टाइप्स हैं ये बातें देखेंगे वाचन प्रक्रिया के सोपान यानी स्टेप्स पढ़ने के वाचन मतलब पढ़ना अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसमें इसको सिखाया जा सकता है एक तो तरीका है प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्षीकरण में क्या होगा किसी पिक्चर से मान लीजिए अ लिखा है तो अ से अनार की कोई पिक्चर दिखा करके इसके साथ आप डायरेक्टली एसोसिएट करा सकते हो बच्चे को बार 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 ये चीज रिपीट करा के चाहे बोर्ड पे लिख के इस ध्वनि से आप बार बार उसका प्रत्यक्षीकरण करा सकते हो कि इसको ये बोलते हैं इसको ये बोलते हैं ये बनता ऐसे है ये ऐसे बनता है मतलब आपने कनेक्ट कर दिया उस वर्ड को उस वर्ण को वर्ड नहीं वर्ण को किस तरीके से उस ध्वनि से ताकि वो बच्चा या तो पिक्चर में देख के अ से अनार देखे तो बोलने लग जाए चाहे तो फिर वो जब पहले पिक्चर्स नहीं होती थी तो उस समय पे बोर्ड पे लिख करके भी इसको सिखाया जाता था बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करा के तो इसी को हम प्रत्यक्षीकरण कह रहे हैं कि डायरेक्ट आप वो वर्ण दिखा करके सिखा रहे हैं उस वर्ण को या पढ़ना सिखा रहे हैं ठीक हो गई बात कोई समस्या हो तो बताओ बिल्कुल नहीं भूले इंदू अमरेश जी मैं भूलती ही नहीं हूं स्पेशली जो लोग पुराने लोग हैं उनका तो नाम जा ही चुका है मेरी क्या कहें लॉन्ग टर्म मेमरी में नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं मेरे साथ ये आप बहुत अच्छी बात भी कह सकते हो और बुरी भी ये बून और कर्स दोनों हैं कि माई मेमरी इज गुड देखिए एक बार नेक्स्ट है प्रत्यक्षीकरण हो गया अब आएंगे अर्थ ग्रहण पर अर्थ ग्रहण क्या कहता है देख लेते हैं एक बार अर्थ ग्रहण सिंपल सी बात है कि जब पढ़ करके यदि आप अर्थ ग्रहण ना कर पाए तो वर्णों को पहचानने का फायदा क्या होगा जो आपने यहां वर्ण पहचाने थे उनका फायदा क्या है अगर आप पढ़ करके अर्थ ग्रहण ना कर पाए तो अर्थ ग्रहण करना देखो तो पढ़ने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है अर्थ ग्रहण करना ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ठीक है फिर है प्रयोग ऑब्वियसली अब आप उसको प्रयोग कर पाए या प्रयोग में ला पाए खुद पढ़ के अर्थ ग्रहण कर पाए ये सबसे अच्छा प्रयोग होगा सिंपल बात थोड़ी बहुत बकवास ठीक यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी कोई समस्या हो तो बता दीजिए कोई समस्या नहीं है विकास जी कह रहे हैं अब वाचन के प्रकार ये इंपॉर्टेंट है वाचन के प्रकार यानी पठन के प्रकार या पढ़ने के प्रकार कह सकते हैं हम ठीक है बात दो प्रकार हैं इसके मेनली सस्वर वाचन और मौन वाचन सस्वर वाचन में वही आप सुर ताल यति गति कहां कितना रुकना है किस पे कितना जोर देना है है ना इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं यानी जोर जोर से पढ़ा जाता है इसमें सस्वर वाचन में पूरे स्वर के साथ लाउड रीडिंग है ये इसको आप समूह में भी करा सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी एक बच्चा भी या दो से दो अधिक बच्चे भी एक साथ पढ़ सकते हैं लाउडली इससे क्या होगा सुनेंगे आप ध्यान से और बच्चे की यदि प्रोनासिएशन में या पढ़ने में कोई मिस्टेक है तो आप करेक्ट भी करा सकते हैं क्योंकि लाउड रीडिंग और छोटी क्लासेस के लिए अच्छा रहता है मौन वाचन की यदि मैं बात करूट इट इज साइलेंट रीडिंग साइलेंट रीडिंग मतलब आप खुद से पढ़ रहे हैं इसमें स्पीड तो अच्छी रहती है इवन कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा बनता है बड़े बड़े टेक्स्ट भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं लेकिन बड़ी क्लासेस के लिए ज्यादा बेहतर है तो दो प्रकार हैं सस्वर वचन और मौन वचन सस्वर में आपकी लाउड रीडिंग पूरे सुर के साथ आप बोल बोल करके पढ़ेंगे और मौन वाचन में आप मन में पढ़ते हैं बाहर आवाज नहीं आती इसमें भी दो टाइप हैं, उनको समझेंगे अब सस्वर वाचन के भी कुछ प्रकार हैं और मौन वाचन के भी कुछ प्रकार हैं यानी पढ़ने के वाचन मतलब पठन दो प्रकार है एक है व्यक्तिगत वाचन दूसरा है सामूहिक वाचन सामूहिक का मतलब यह है समूह या ग्रुप ठीक अब ये जो ग्रुप की बात हो रही है इसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक बच्चे एक साथ बैठ करके कुछ पढ़ रहे हैं ग्रुप में ग्रुप रीडिंग हो रही है एक तरीके से कोरस रीडिंग भी कह देते हैं आई थिंक इंग्लिश में इसको व्यक्तिगत वाचन की यदि मैं बात करूं तो ये भी दो प्रकार से होता है एक तो आदर्श वाचन जिसको टीचर करेगा अगर टीचर पढ़े तो वो आदर्श वाचन क्योंकि वो एकदम आदर्श हो गया ना मॉडल हो गया कि भाई ये एकदम परफेक्टली पढ़ेगा अब टीचर ही खतरनाक हो दिमाग को दिमाग बोलता हो तो समस्या है फिर बादाम को बादाम बोले तो समस्या है इसलिए भाषा शिक्षक का भाषा पर पकड़ होना जरूरी है आदर्श वाचन जिसको शिक्षक करेगा और अनुकरण वाचन यदि बच्चे करें शिक्षक ने कर दिया वाचन अब बच्चे कर रहे हैं तो अनुकरण वाचन यानी कि इमिटेट कर रहे हैं वो ठीक आदर्श वाचन जो शिक्षक करेगा अनुकरण वाचन जो विद्यार्थी करेंगे ठीक बात कोई समस्या हो तो बता दीजिए थैंक यू शालिनी बिल्कुल सुकून से चल रहे हैं आराम से समझेंगे खतरनाक जी 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 नमस्ते कौन है ये व्यक्ति यशोदा क्षेत्री चलो नाम नहीं लूंगी फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है आ जाओ वापस आ जाओ बताओ कोई समस्या हो तो मैम आप भी हमारे स्कीमा में सेट हो गई हो अच्छा धन्यवाद एहसान आपका है ना आभारी रहेंगे हम आ जाते हैं वापस से धन्यवाद अपर्णा चलिए तो सामूहिक वाचन समूह में होगा छोटी क्लासेस के लिए अच्छा है बड़ी क्लासेस के लिए ग्रुप रीडिंग अच्छी नहीं है व्यक्तिगत वाचन आदर्श वाचन टीचर खुद करके दिखाए एक बार और फिर बच्चों को करने के लिए दिए जब बच्चे करेंगे तो अनुकरण टीचर करे तो आदर्श वाचन ठीक है टीचर के बोलने से क्या है उनकी भी अभिव्यक्ति अच्छी होगी बच्चों की प्रोनाशिएशन यानी उच्चारण बेहतर होगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर अब है मौन वाचन के प्रकार अभी हमने सस्वर वाचन के प्रकार पढ़े जिसमें व्यक्तिगत वाचन और समूह वाचन पढ़ा व्यक्तिगत वाचन वाचन में हमने आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन की बात की और समूह वाचन छोटी कक्षाओं के लिए है जिसमें दो या दो या से अधिक बच्चे एक साथ बैठ करके समूह में पढ़ेंगे मौन वाचन की बात करते हैं इसमें भी दो प्रकार हैं गहन अध्ययन और द्रुत वाचन गहन अध्ययन आप बिल्कुल आराम से पढ़ के समझ पा रहे होंगे गहन का मतलब ही होता है बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ आप डीप में पढ़ रहे हैं है ना डीप में बिल्कुल आप उसकी जो भी सूचनाएं हैं सूक्ष्म तरीके से आप पूरा तर... उसको जानना चाह रहे हैं गहनता के साथ गहनता के साथ ठीक द्रुतवाचन होगा जब आप मौन मतलब साइलेंट रीडिंग ही कर रहे हैं बाहर आवाज नहीं आ रही है यहां पे आप कई बार होते हैं जब आप डीपली एक एक चीज कोई बहुत भयंकर थियरी पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो आप गहन अध्ययन कर रहे हैं बिल्कुल किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं तो आप गहन अध्ययन कर रहे हैं लेकिन द्रुतवाचन क्या है जब आप स्पीड में ज्यादा गति के साथ मौन वाचन मतलब मन में पढ़ रहे हैं स्पीड में जैसे कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी एक एक लेटर एक एक वर्ड को आप बहुत ज्यादा अच्छे से गहन तरीके से पढ़ेंगे आपको स्टोरी से मतलब है तो ये द्रुत वाचन हो जाएगा मतलब स्पीड में पढ़ रहे हैं आप मन में मौन वाचन लेकिन स्पीड में ठीक है बात गहन अध्ययन जब आप गहनता से किसी विषय को डीप में पढ़ें तो स्लो भी पढ़ सकते हैं लेकिन द्रुत वाचन में गति अच्छी होगी तेज होगी ठीक है बात आगे बढ़ेंगे इसी के साथ आ, डिप में नहीं डीप में पढ़ेंगे ठीक है खैर मजे ले रही हूं मैं कोई बात नहीं वाचन शिक्षण की विधियां पढ़ने की कुछ विधियां हैं कि कैसे सिखाएंगे आप पढ़ना बच्चे को तो ये कुछ आपके सामने प्रस्तुत है मेन मेन ऐसे तो बहुत सारी हो सकती है ठीक है ग्रेट विकास जी नो प्रॉब्लम शुभांगिनी कह रही है यार ये दो चार लोगों का नाम बहुत ज्यादा रिपीट होता है और वो अपने आप होता है कई लोगों को लगता होगा मेरे फेवरेट हैं ऐसा मैं कोई डिफेंशिएट नहीं करती हूँ बट हाँ ये लोग आते डेली हैं तभी दिख पाता है सपना जैन कह रही हैं प्लीज रिप्लाई रिप्लाई हाउ कैन वी गेट ऑनलाइन पैकेज फॉर होल कोर्स कौन सा वाला कोर्स ये 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 यूट्यूब पर ही है पूरा कोर्स हिंदी पैडागोजी का ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब एक स्पेसिफिक क्लास नहीं चल रही है ये थर्ड सेशन है आकाश इसका कोई अभी तरीका अवेलेबल नहीं है होगा तो बताएंगे ठीक है श्वेता जी देखिए वाचन शिक्षण की कुछ विधियां हैं वर्ण विधि वर्ण आप जानते हैं ये सब वर्ण है इससे ज्यादा और नहीं तोड़ सकते आप इनको ठीक इतना सुंदर कैसे लिख सकती हूं मैं पहले आंसू पूछ लू रुक जाओ देखो वर्ण विधि में वर्ण सिखाया जाता है एक एक वर्ण जैसे ये आपके अ अस्या ज्ञानी तक है ना इसके अलावा शब्द की मैं बात करूं तो इसमें शब्द से इंट्रोड्यूस किया जाएगा शब्द कोई भी बता दो शब्द लिखेंगे हम खुशबू Hopefully, मात्रा ठीक होगी देखो शब्द विधि मतलब शब्द से आप सिखा रहे हैं खुशबू अनार आम ढक्कन है ना वाक्य विधि वाक्य विधि में आप वाक्य से सेंटेंसेस पढ़वाते हैं बच्चे से या सेंटेंस पढ़वाना शुरू करते हैं तो इसमें आप पूरा वाक्य मीना खाती है कविता विधि इसमें यहाँ आप कविता रेसिटेशन पे फोकस कर रहे हैं कि वो पढ़े है ना मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है तो ये बेसिक सी बात है कोमल रोते नहीं है बहुत सारे लोगों के कॉमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ दुखी मत हो इसीलिए मैं एक भी कॉमेंट नहीं पढ़ती हूँ फिर आप लोग सब रोने लगते हो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं लिखित अभिव्यक्ति कौशल जो आज के लिए लास्ट कौशल है फिर इसके बाद हम आ, विकार भी समझेंगे जो डिसबिलिटीज हैं अफेजिया क्या है डिस्फेजिया क्या है ये सब लिखित अभिव्यक्ति कौशल यानी लिखने से संबंधित है राइटिंग स्किल्स हैं ऑब्वियसली ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है इसके बारे में लेखन के प्रकार देखते हैं ये अच्छा है क्वेश्चन यहां से आ जाता है कभी कभी ओ गॉड सॉरी लेखन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ राइटिंग हमने अभी टाइप्स ऑफ रीडिंग पढ़े उसमें भी हमने कई तरह प्रकार की पढ़ी मौन है, मौन है सस्वर है उसमें भी है है पठन उसमें व्यक्तिगत सामूहिक है अब इसमें हम मेनली तीन प्रकार पढ़ रहे हैं सुलेख यानी सुंदर लेख सुलेख का मतलब सु का मतलब ही होता है अच्छा सुंदर लेख अब सुंदर कब बनेगा लेख अब ये तो सुंदर नहीं है बट कह सकते हैं कि अंतर जो है शब्दों के बीच में वो एक आइडियल हो आदर्श अंतर हो है ना स्पेस जिसको हम कह रहे हैं ये जो शिरो रेखा है ये सीधी हो ऐसा नहीं है ऐसे भी बना देते हैं कई लोग तो सुंदर लिखने के चक्कर में है ना ऐसे लेख लिख दू मैं तो ये खतरनाक हो जाएगी है ना ये शिरो रेखा बोलते हैं उसको ऊपर से जाती है ठीक आपकी जो आकृति है वर्णों की वो अच्छी बनी हो तो ये सब चीजों का अगर ध्यान होगा आपका जो अनुच्छेद है यानी आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं आपको पता हो कहा विराम चिन्ह आएगा कहाँ आपका पूर्ण विराम आएगा कहां क्या लगाना है तो ये सुंदर लेख या सुलेख कहा जाएगा जब सही तरीके से आपको पता हो स्पेस कहां छोड़ना है कैसे शब्द बनाने हैं वर्ण को अच्छे से बनाना है कि नहीं ये सारी चीजें बहुत बढ़िया निशा माथुर जी फिर है अनुलेख अनुलेख क्या है अनुलेख मतलब का सिंपल है यहाँ पे टीचर ने बना के दिखा दिया है या तो या तो आजकल बुक्स भी आती हैं वो वाली वो आपने देखी होंगी जिनमें लाइंस बनी होती हैं बना हुआ है ऐसे ऐसे करके है ना याद आ गया होगा सबको मेरा तो आज आजादा ही अच्छा बन जाएगा ठीक तो बच्चा इसको फिर अपने हाथ से पूरा अच्छे से बनाएगा इसके ऊपर मतलब अनुकरण करके एक तरीके से ठीक या टीचर ने बहुत सुंदर बना दिया तो वो बिल्कुल वैसे के वैसा ही बनाने का प्रयास करेगा ठीक है बात तो ये अनुलेख मतलब वो जो आपकी बुक्स आती हैं जिनमें आप क्या बोलते हैं उनको बुक्स को नाम याद नहीं आ रहा मुझे है ना इंग्लिश के लिए भी आती हैं कर्सिव राइटिंग वाली भी और वैसी भी मतलब उसमें अनुलेख यानी एज इट इज आप इमिटेट करके बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना रहे हैं जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही ठीक श्रुतलेख इसमें भी टीचर इसीलिए देते हैं ताकि अच्छी हो सके राइटिंग इसको श्रुत लेख इज इंपॉर्टेंट श्रुत शुरु, श्रुतलेख से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ना बहुत मजा आ रहा है बहुत बढ़िया नितिका <laughs> सही है हाँ पैटर्न बुक कह सकते हो एग्जैक्टली हम मार्च से लगातार आ रहे हैं एक भी दिन बंक नहीं किया बहुत बढ़िया मैंने मोनिंग का बंक करके बहुत वहां लद्दाख चले जाओगे ना मार्च से बंद पड़े हो घर में आना ही पड़ेगा लगातार है क्या आप कौन सा पुरस्कार दिला दें इस बात के लिए खैर मजाक कर रही हूँ है बंक करके इंस्टाग्राम पे जाओगे ऐसा स्कूल तो है नहीं मूवी देखने चले जाओगे तो तो इंस्टाग्राम पे ही जाओगे बंक करके यूट्यूब से इंस्टाग्राम है चलो बहुत बढ़िया मजा आया कौन है दुखी आशीष यादव तबियत ठीक है यार थोड़ी बहुत एनर्जी डाउन है देखो एक बार तो अनुलेख की बात की हमने यानी एज इट इज आप वैसा ही बनाते हो जैसा शिक्षक ने दिया हो या किताबें आती हैं वैसा के वैसा ही ठीक है हाँ मेरी बेटी के पास है राधा जी कह रही है बिल्कुल श्रुतलेख है जिसको हम डिक्टेशन कह देते हैं और इमला भी कह देते थे है ना नाइंटीज के समय में देखिए श्रुतलेख का मतलब है, श्रुत का मतलब है सुनना, सुन करके लिखना है ना तो इसमें क्या होगा ये लिखने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज है और स्पेशली अगर पूछे स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं, वो सबसे ज्यादा बेहतर इसी से हो सकती है वर्तनी स्पेलिंग मतलब वर्तनी वर्तनी की अशुद्धियां कैसे कम होंगी तो वो श्रुतलेख से ही होंगी क्योंकि आप बोल रहे हैं और फिर बच्चा लिखेगा ध्यान से सुन के अगर उसने छोटे और बड़े ई की मात्रा में भी गड़बड़ की तब भी गोला घूम जाएगा ऐसे आप लगा देंगे कि ये गलत है इतनी गलतियां हो गई अब पूरा पेज उसने सुंदर सुंदर लिखा लेकिन मिस्टेक्स हैं वो फिर गोले गोले दिखेंगे उसे है ना यानी उसको मिस्टेक्स दिखती हैं तो वो अगली बार जब आप खुद लिखते हैं और वो मिस्टेक आपकी सामने आती है तो फिर अगली बार अपने आप बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ठीक हो जाएगा तो वर्तनी की अशुद्धि ठीक होती है इससे सुन करके लिखने से श्रुतलेख कहलाएगा ठीक इमला डिक्टेशन यू टू कॉल इट ठीक है उषा उषा जी के बर्थडे पे बंक की थी देखा ना पता लग ही गया ये ज्यादा शरीफ लोग खतरनाक हो जाते हैं कई बार जी माया बिल्कुल आप डेली आती हैं आज तो बचपन याद आ गया बहुत बढ़िया यही तो है ना बच्चे आपको रोज स्कूल में बचपन याद दिलाएंगे अच्छा आप वाली टी शर्ट पहन के सीटेट देना आकाश अभी तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है होगा तो मैं बता दूंगी वैसे यार मेरे को थोड़ा अजीब भी लगता है वो बोलना है उस तरीके से तो वो भी एक रीजन रहा है इसके पीछे है ना चलो फिर देखते हैं कुछ हो पाता है तो आगे बढ़ते हैं ये लेखन के प्रकार हो गया भाषा ही विकार पे आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज पे आते हैं इनके बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी है लर्निंग डिसेबिलिटीज लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है बेसिकली ये विकार हैं कुछ जिसकी वजह से भाषा को या तो उत्पादन यानी प्रोड्यूस करने में यूज करने में समझने में कई बार सुनने में बोलने में पढ़ने में किसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है न्यूरोलॉजिकली आपके ब्रेन में कुछ वायरिंग ऐसी हुई है जिसकी वजह से आप सीखने के कुछ हिस्सों में सीखने के कुछ एस्पेक्ट्स में स्ट्रगल करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि इनकी बुद्धि कमजोर है या ये सीख नहीं सकते बट कुछ क्षेत्र ऐसे हैं सीखने के जहां इन्हें समस्या होती है चाहे वो पढ़ने का क्षेत्र हो सकता है बोलने का क्षेत्र हो सकता है लिखने के क्षेत्र में इनको समस्या हो सकती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इनको अलग अलग आस्पेक्ट में आ सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार है ये बहुत अच्छे से सीख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जो तारे जमीन पर में बच्चा है तो इनको आप जिसको जहां समस्या है उस समस्या को छोड़कर दूसरे तरीके से सिखाने की कोशिश कीजिए तो ये अच्छे से सीखते हैं और ऐसा नहीं है ये बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं इसका आईक्यू से कोई संबंध नहीं है भाषाई विकार का देखिए एक बार फर्स्ट तीन चार भाषाई विकार हम समझेंगे एक नंबर में जरूर आता है भाषा कौशल यहां तक हो चुके हैं अब हम भाषाई विकार करेंगे और कल इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि अपने आप में बड़ा टॉपिक है फिर इसके बाद इससे क्वेश्चन भी भरपूर आते हैं हर साल तो वो भी फिर डिस्कस करना जरूरी है ठीक है बात अनकेडमी क्लास कब होती है आज से ही शुरू हुआ है इस मंथ का मैं बताऊंगी सोनी लास्ट में बताऊंगी इन्फॉर्मेशन मजा आ रहा है बिल्कुल डिस्कशन में आप लोग जहां होते हैं वहां मजा ही आता है और मैं भी पूरे मूड में रहती हूँ देखो एक बार अफेजिया की बात करूं यदि अफेजिया अफेजिया एक सुनने संबंधी भाषा अधिगम विकार है सुनने संबंधी या सुन करके समझने संबंधी भी आप कह सकते हो सिर्फ ऐसा नहीं कि इसमें कोई कान में परेशानी आ जाएगी बच्चे की सुनने का मतलब यहां ये नहीं है मतलब कॉम्प्रिहेंड करने में समझने से समझ सुन के समझ नहीं पाता बच्चा कि आप एग्जैक्टली exactly कह क्या रहे हैं आपका मतलब क्या है तो सुन करके समझने में भाषा को कॉम्प्रीहेंड करने में समस्या होती है अफेजिया में या आपको किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में तो भाषा को ग्रहण करके समझने में या उसको कॉम्प्रिहेंड करने में उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी बच्चे को सुन करके समझने में समस्या होगी दैट इज कॉल्ड अफेजिया सिंपल बात अपनी घड़ी से टाइम बता दो खुशबू ये आज डेड है ये बैंड निकाला है बिल्कुल इसमें कोई बैटरी नहीं है ये दिखावटी है आज <laughs> तो, तो बाकी टाइम दस बज के अठारह मिनट बाईस अट्ठारह हो रहे देखिए पता नहीं लगता टाइम पर जाता कहां है हम लोग जब डिस्कशन करते हैं मैं तो सच में डूबी जाती हूँ डिसलेक्सिया की बात करें यदि बहुत ही फेमस है ये बताओ किस किस को है कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के नाम बताओ है? फिर क्यों पहन रखा है मैम अरे यार थोड़ा अजीब लगता है वो खाली हाथ है ना तो अब बता दिया तो क्या मजाक उड़ाओगे हैं मैं है आज चेंज के लिए थोड़ा वॉच भारी हो गई बहुत दिन से सेम वॉच पहन रही हूँ तो कहा ठीक है भाई तू रखेंगे तेरे को भी इम्पोर्टेंस देंगे मैंने देखा बैटरी नहीं था कोई बात नहीं पहन लेता अब ऐसे तो ऐसे तो क्या घर में हूं तो मतलब क्या ऐसे नाइट सूट में आ जाया करूं <laughs> तो <laughs> कोई डेकोरम होता है किसी चीज का प्रेजेंटेबल तो लगे इंसान फूहड़ तो ना लगे कम से कम <laughs> तो वैसे ही मुझे शौक नहीं है ज्यादा इन सब चीजों का आप <laughs> हाँ भी पकड़ी गए यार मैंने बताया है यार <laughs> तो <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है सिद्धू टी शर्ट का देख लेंगे अगर कुछ होगा तो मैं एक बार बात करके बताऊंगी अभी तो वैसे कोई प्लान नहीं है डेड वॉच नहीं पहनते हैं अरे यार ये अब ये तो होंगी ही डिजिटल ये वो वाली बंद घड़ी थोड़ी है बंद घड़ी भी अच्छी होती है दिन में दो बार सही समय देती है दिन में नहीं चौबीस घंटे में है ना बताओ एक बार ऐसे हमारी क्लास में एक सर थे हमारे मैथ्स के तो वो कोई बच्चा था जो बहुत कमजोर था मैथ्स में या कभी कुछ दिक्कत हो गई या कुछ पंगा हो गया तो गलती से अगर कहीं सही बता दिया खेरे बेटा कोई बात नहीं दिन जो बंद घड़ी भी दिन में दो बार सही समय देती है तुमसे भी ठीक हो सकता है कुछ तो खैर टीचर सही मजाक उड़ाते हैं आ जाओ बहुत पढ़ लिया हम काफी देर से चल रहे हैं चालीस मिनट से चलो आ जाओ <coughs> जी जी बिल्कुल माया आ जाओ आ जाओ बहुत हंसी मजाक हो गया थोड़ा टॉपिक कंप्लीट कर लें फिर बाद में करेंगे जाओ एक बार डिसलेक्सिया एक भाषा संबंधी अधिगम विकलांगता है यानी एक एक ऐसी ऐसी कहेंगे विकलांगता कहना भी गलत होगा बट बुक्स में ऐसे दिया हुआ है ना? एक और है है ना भाषा संबंधी जिसमें बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है मेनली मतलब यह मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के पढ़ने में कठिनाइयों के रूप में होता है यानी या तो बोलने में भी प्रॉब्लम बोलने से तो ऐसे रिलेटेड नहीं होता बट पढ़ने में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बोल करके ही पढ़ेगा या उसके लिखित रूप को पढ़ने में बेसिकली मेनली पठन संबंधी विकार है पढ़ने से रिलेटेड बच्चा छे को नौ पढ़ सकता है सौ को वॉज पढ़ सकता है है ना पठन को कुछ और पढ़ सकता है यानी उसके दिमाग में ना ये सीक्वेंस अजीब सा हो जाता है वर्णों का या लेटर्स का वो ऊपर नीचे हो जाता है जैसे आपने वो तारे जमीन पर देखी होगी उसमें जो ईशान अवस्थी दिखाया है उसको डिसलेक्सिया है उसको पढ़ने में जैसे उसको पढ़ने के लिए खड़ा किया जाता था वो बड़ा एंजाइटी में आ जाता था और अजीब अजीब से तरीके से पढ़ता था इवन बोमन ईरानी जो वायरस बने थे उसमें थ्री इडियट में उनका भी मैं इंटरव्यू देख रही थी कुछ दिन पहले तो उन्हों, उन्होंने बताया उनको उन्हों भी डिस्लेक्सिया है ऐसे बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारी फेमस हैं डिस्लेक्सिया एक कॉमन चीज है बट इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि में कोई कमी है बट कुछ एस्पेक्ट जो है सीखने के वहां उन्हें प्रॉब्लम आएगी तो आपको डील करना है कि प्रिंटेड या कुछ और तरीके आप अपनाएं जिससे उनको सिखाया जा सके जरूरी नहीं है अगर पढ़ने में प्रॉब्लम है तो जबरदस्ती है ना आगे बढ़ते हैं ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी टेंशन ना लो लास्ट है डिस्ग्राफिया लास्ट क्या है थैंक यू एजुकेटर आप कह रहे हैं उत्कृष्ट सत्र बहुत बढ़िया डिस्ग्राफिया ग्राफ जहां भी आ जाए और फोन जहां भी आ जाए फोन का मतलब है साउंड से रिलेटेड बोलने से रिलेटेड बात होगी और ग्राफ का मतलब है लिखने से संबंधित बात होगी डिस्ग्राफिया रिप्रेजेंट करता है कि बच्चे को लिखने में कोई समस्या है लिखने से उसको या जो भी वो लिखता है ऐसा नहीं हाथों में प्रॉब्लम है जो अगर लिखता है तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे पढ़ने योग्य नहीं होती उसकी राइटिंग तो ये एक बेसिक सी बात है एलिजिबल राइटिंग होती है यानी आप पढ़ नहीं पाएंगे ठीक तो अक्षरों को पहचानने में और उनको बनाने में उसको प्रॉब्लम होगी लिखने में या लेखन संबंधी विकार को हम डिस्ग्राफिया कह रहे हैं ठीक हो गई बात देखो ये चैप्टर्स हैं और ये इंटेंस चैप्टर्स हैं इनको सीखने के लिए समझने के लिए पेशेंस चाहिए अदरवाइज क्वेश्चन तो मैं आपको यहां कितने भी करा ही सकती हूँ कोई समस्या नहीं है उसमें ठीक है बात चलिए फिर डॉक्टर की राइटिंग <laughs> डॉक्टर को डॉक्टर को नहीं होता बट उनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो कर लेते हैं अपने आप को मजाक कर रही हूं खैर और अच्छा एक और चीज मैं छोटी सी बता देती हूँ कि ये आपका चैप्टर खत्म हो गया जिसमें दो मेन टॉपिक्स खत्म किए हमने लैंग्वेज स्किल्स यानी भाषाई कौशल और भाषाई विकार कल हम इन्हीं टॉपिक से आयल ट्राई माई बेस्ट के इन्हीं टॉपिक से डिस्कशन करा दूं, नहीं तो दो एक दो एक दो, एक दो, एक दो दिन करके सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे ताकि जिनकी हिंदी नहीं है जिनका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है उनको भी समस्या ना हो और आप भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता रहे अच्छा, मैं थोड़ा सा और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ अन अकेडमी प्लस पे भी मैं पढ़ाती हूँ अन अकेडमी पर बेसिकली आई एम एन एजुकेटर और आप लोगों का सपोर्ट है जो अन अकेडमी है वो लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लर्निंग का तो ठीक है खैर ये तो मजाक की बात हुई अब काम की बात पे आ जाते हैं कल से या आज से मेरे सेशन शुरू हो चुके हैं तो टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ और इसमें प्लस पर जो सेशन होते हैं वो ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं इसके अलावा दो सेशंस फ्री चल रहे हैं जिसमें एक तो है पाँच बजे का कल से ये मैशअप सीरीज शुरू हो रही है उसको जरूर देखिएगा पाँच बजे से मैशअप मतलब गाने नहीं बजेंगे वहां पे सारे सब्जेक्ट्स की मिक्स्ड पैड होगी तो और इसमें फायदा ये भी है कि वहां लाइव आप कह क्या कहते हैं उसको पोल पोल लेकर के अपने आपको देख सकते हैं कि आपने सही किया कि नहीं तीस सेकेंड के अंदर आंसर करना होता है तो पांच बजे ये स्पेशल क्लास है फ्री होगी इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अलावा एक सेशन है मेरा ये अगले दस दिन तक होगी टेन स्पेशल क्लासेस होंगी नहीं टेन नहीं होंगी यार इस बार सात होंगी और इसके अलावा सिक्स सेशंस आपके यूट्यूब पे होंगे उनके चैनल पे उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी वो बेसिकली क्विज है तो आप ऐप में जाकर के क्विज दे सकते हो वो होगी शाम को 10:00 बजे 10:00 बजे 15 मिनट पर इस सेशन के बाद ठीक है बात इसके अलावा प्लस पर जो कोर्स आएगा वो अनसीन पैसेज का रहा है इस मंथ इंग्लिश का तो वहां प्रैक्टिस करने का प्रॉपर माहौल है वो उनके फीचर्स ही उस तरीके के हैं मैं youtube में वो नहीं लगा सकती हूं है ना तो अनसीन पैसेज का बैच है इस बार शायद 19 से शुरू होगा जो लोग प्लस पे हैं उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन है या जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन है अच्छा ये जो डिस्कशन है अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक like, शेयर करके जाइएगा और सारे सेशन की पीडीएफ या डाउट क्लियरिंग सेशन बाकी सभी एजुकेटर्स के थ्रू मिलते ही हैं अलग अलग बैचेस आते रहते हैं और अगर इस मंथ का जो बैच रहेगा वो अनसीन पैसेज रहेगा उन्नीस अक्टूबर से शुरू होगा और ये उनका सब्सक्रिप्शन प्लान है अगर आप अकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं तो लेट्स लर्न रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा उससे क्या होगा डिस्काउंट मिल जाएगा ये वाला और सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आप देख पाएंगे टीचिंग कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही देख पाएंगे तो ये एक बेसिक बात हुई आज के लिए इतना ही धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए कल मिलेंगे ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी बाकी के दोनों चैप्टर्स शेयर कर चुकी हूं और कोई समस्या हो तो बताओ हम्म आप बताओ आप किसको मजाक की पड़ी थी बताओ एक बार कैप्सूल वीक में एक बार मिलेगा या डेली मिलेगा एक बार मिलेगा रोज थोड़ी कैप्सूल दिया जाता है महंगा आता है यार कैप्सूल रोज टैबलेट लो <laughs> तो, 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 तो मतलब सैटरडे को चलेगी वो सीरीज अच्छा कैप्सूल तो कुछ और था ना ओ पेडागोलॉजी का वो थियोरी वाला वो भी एक ही बार मिलेगा यार एक अच्छी सी थियोरी हफ्ते में एक बार करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ग्रेट चलिए गुड नाइट ध्यान रखिए अपना खुश रहिए छोटा सा जीवन है अच्छे काम कीजिए मतलब जिसमें आपको खुशी महसूस हो इसका मतलब ये नहीं है वो भी अवेलेबल है इंग्लिश पैडाकॉजी ही डिस्कस करती हूँ मैं उधर अन अकेडमी पे चलिए बाय बाय टाटा बहुत सारी बातें हो गई हैं। साढ़े दस बजे तक जुड़े हुए हो <laughs> कोई बात नहीं मेरे को आदत हो गई है वो वॉच की मुझे लगता है कि दिखाएगा टाइम <laughs> तो, तो मुझे बार बार टाइम देखने की आदत है भी वैसे <laughs> तो बट तो, आज ये डेड है और आपको भी पता है सबसे बड़ी बात <laughs> तो, तो चलो ठीक है बाय गुड नाइट ध्यान रखो कल मिलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कोई भी समस्या हो या सेशन पसंद आ रहा है कि नहीं उससे पढ़ के कॉमेंट्स मुझे पता लगता है फीडबैक क्या है आप लोगों का है ना टेक केयर नवरात्र शुरू होने के बाद शुरू करती अभी बहुत कम है स्पेशल क्लास शिखाया थोड़ा मैनेज करेंगे फिर अब तो ऑलरेडी हो चुका है अब इससे ज़्यादा लेट नहीं किया जा सकता इस मंथ का